देखने को मिल रही है। सेक्टर 17 में इस समय है और आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में भी सुन सकते हैं कितना उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। और गाने की बात करें तो पंजाब के गानों में लोहड़ी का जिक्र तो होता ही है। बात करें यहाँ पर अलग अलग गानों की तो एक गाना चढ़ती कला जो की आज यहाँ की जनता के लिए भी एक तरीके से रिलीज कर दिया गया है। गाने की खासियत क्या है हम जानते हैं, जिन्होंने इस गाने को लिखा है वो ही बता सकते हैं किस तरीके का गाना है। स्वागत है आपका। पहले तो लोहड़ी की मुबारक है, दूसरा आपको भी बहुत 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 पूरे दर्शकों जो देख रहे हैं उनको दिल से बधाई। मैं दर्शन और फिल्म एक्टर डायरेक्टर राइटर, ये गाना जो है फिल्म का गाना नहीं, चढ़ती कला पंजाब की चढ़ती कला का गाना है। तो गुरदेव संधू जो इजी वे वाले हैं उन्होंने लिखा है, मैं इसको रिलीज करने के लिए आया हूँ। और इस मुबारक मौके पर मैं सबको बधाई भी देता हूँ और पंजाब की चढ़ती कला रहे और सबकी चढ़ती कला रहे दिल से दुआ करता हूँ। और मेरे साथ जिल्ला जी हैं, इन्होंने इस गाने के अंदर काम किया है तो बाकी की बात की आप। जी आपका भी स्वागत है इंटरव्यू पर। और सबसे पहले लोहड़ी की आपको भी अलग अलग अच्छा लग रहा है। आज ये जब पर्व आता है तो हम बहुत खुशी होती है, अलग अलग तरीके से हम लोग मनाते हैं। खासकर जब घर पे बच्चा होता है तो उसकी खुशी में मनाया जाता है, लड़का होता है तो ज़्यादा मनाते हैं। बट मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि जो लड़के हो तो मनाया कीजिए, एक आपका धरती पे आई है उसका स्वागत का लेके आ लीजिए। सो इस हर जैसे आज एंटरटेनमेंट की तरफ से जो इजी वे एंटरटेनमेंट के जो मालिक हैं जितेश संधू जी, उन्होंने ये गाना लिखा है, उन्होंने इसको रिलीज भी किया है, इसमें मैंने काम किया। चढ़ती कला का सरबत का भला जो मानते हैं हम लोग, सबका भला हो और हर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेक्टर 17 में आज लोहड़ी पर्व की धूम दिखाई दे रही है, एक अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। आप खुद ही सुन सकते हैं, थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ लेकर लोगों में सेलिब्रेशन को लेकर खुशियां हैं, किस तरीके से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे।